मौजूदा सर क्या कहेंगे, पहली बार जो है दफ्तर पहुंचते हुए नजर आए हैं सर, क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो सरकार का सिलसिला चल रहा है, जो तीसरी बार सकारात्मकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है और जो विकास का पहिया पिछले अनेकों वर्षों से रुका हुआ था, लड़खड़ाता रहता था, जिसको पिछले 10 साल में मेहनत करके हमने चलाया है, उसको और गति के साथ चलाएंगे और हरियाणा के कोने कोने तक, हरियाणा के हर वर्ग तक, हरियाणा के हर आदमी तक हम ये इस विकास को पहुंचाएंगे। कई सर बड़े वादे थे आज, इसमें बिना पर्ची खर्ची के नौकरी की बात की जाए, अभी रिजल्ट भी जारी होता हुआ नजर आया। हमने करके दिखा दिया ना, वो तो हमने करके दिखा दिया बिना पर्ची खर्ची के। ये जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने शुरू किया था, वो लोगों ने साकार कर दिया। लोगों के आज लोगों के व्हाट्सएप आप देखिए, गांव से व्हाट्सएप छप रहे हैं, मेरे गांव में 20 आई, मेरे गांव में 30 आई, मेरे गांव में 40 लगे, ऐसा छप रहा है। ये करिश्मा है, सारा ये देश देखे इसको, एंटायर कंट्री शुड सी इट कि क्या हो रहा है हरियाणा में। लोगों को घर बैठे बिना किसी उसके लोगों को नौकरियां मिल रही है। सर एक अंतिम प्रश्न, पॉलिटिकल प्रश्न ये रहेगा सर, कांग्रेस की हार जिस तरीके से होती हुई नजर आई है, कैप्टन अजय यादव हैं, उन्होंने पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता है इस्तीफा दिया और कह रहे हैं कि एक जो ओबीसी पद था वो झुंझुने टाइप का जो है देखने को मिलता नजर। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है और जिस प्रकार से लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट किया है, तो हो सकता है कुछ और लोगों को भी सद्बुद्धि आ जाए। सर आज अनिल विज जी हमारे साथ, अनिल विज जी थे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे, कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी चंडीगढ़।